हेलो दोस्तों, वेलकम टू केकेस किचन। स्वागत है आपका केकेस किचन में। आगे आपका दोस्त कुंज कनेरी एक स्वादिष्ट रेसिपी लेके आज केकेस किचन में बनाने वाला है सूखी कचौरी, ड्राई कचौरी। चलो दोस्तों फिर शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले कचौरी का आटा गूंदेंगे। उसके लिए लेंगे 2 कप मैदा और उसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच जितना घी मोइन के लिए, और स्वाद के अनुसार डालेंगे नमक। सभी चीज़ों को अच्छे से रब करते हुए मिक्स कर लेंगे। ड्राई कचौरी में इस्तेमाल की हुई सारी चीज़ों की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए हमने हमारा जो मोइन डाला है एकदम सही है कि नहीं, इस तरह से हम चेक कर सकते हैं, एकदम सही है। चलिए पानी डाल के डो बना लेते हैं। पानी हमेशा थोड़ा थोड़ा करके डालिए। आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और लाइक करिए रेसिपी को, और शेयर करिए ये ड्राई कचौरी को, ताकि बहुत सारे लोगों को ये रेसिपी पहुँच सके। हमारा डो हमने बना लिया है, इसको अच्छे से, हमारा पूरी का डो एकदम बनकर रेडी है। इसको एटलीस्ट 15 मिनट के लिए रेस्ट लिए छोड़ेंगे। चलिए अभी हम सूखी कचौरी के मसाले की तैयारी करते हैं। एक पैन में डालेंगे साबुत धनिया, जीरा और सौंफ। सभी चीज़ों को अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि उसका अच्छा सा फ्लेवर आए, अरोमा आए। स्पाइस और मसालों को हल्का ड्राई रोस्ट करने से उसका अच्छा फ्लेवर निकल के आता है। सभी मसालों को अच्छे से कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। देखिए कितना बढ़िया हमारा मसाला बनकर रेडी है। ये फरसाण मिक्सचर लिया है मैंने 94 2 कप जितना, इसको डालेंगे जार में और उसका पाउडर बना लेंगे। आप कोई भी फरसाण ले सकते हैं, तीखा गाठिया आता है, फाफड़ी गाठिया आता है, सेव वगैरह। ये ड्राई कचौरी की रेसिपी एकदम सिंपल और आसान है, और 1 महीने तक हम यूज़ भी कर सकते हैं स्टोर करके। इसके अंदर ओवन में डालने वाला हूँ फाफड़ी गाठिया, उसका भी पाउडर बना लूँगा मैं, और दोनों पाउडर को अच्छे से कर देंगे मिक्स। ये पाउडर मिक्सचर में डालेंगे थोड़े से तेल, जो मसाला कूट के रखा था वो डाल देंगे पूरा का पूरा। थोड़े से डालेंगे चॉप काजू, किशमिश, चुटकी भर हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च सिर्फ कलर के लिए। सभी चीज़ों को करेंगे अच्छे से मिक्स। ये मसाले के अंदर मैं खजूर इमली की चटनी ऐड करने वाला हूँ। ये चटनी की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप ये चटनी नहीं डाल सकते तो इमली का पल्प डालिए और पाउडर शुगर डालिए, सेम टेस्ट आएगा। चलिए मिक्स कर देंगे अच्छे से। चेक करते हैं हमारा मिक्सचर, ऐसा थोड़ा सा हाथ में लेंगे और दबाएंगे। देखिए हमारा कचौरी का बॉल्स बनाने के लिए एकदम परफेक्ट मिक्सचर बनकर रेडी हो गया है। चलिए हम अपने कचौरी के बॉल्स बना लेंगे छोटे छोटे इस तरह से। ये जो हमने कचौरी का मिक्सचर बनाया है उसको एडजस्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मसाले कम ज़्यादा करके। 1 बाय 1 इस तरह से हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे सभी मिक्सचर के। बहुत सारी स्नैक्स की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड की हुई है, उसके लिए आप मेरे चैनल को विजिट करिए, उसमें प्लेलिस्ट में जाइए और अच्छी अच्छी रेसिपी बनाइए। हमारे सभी कचौरी के बॉल्स बनाकर रेडी है। चलिए अभी बनाते हैं हम कचौरी की पूरी। देखते हैं हमारे आटा जो हमने गूंदा है उसका क्या हाल है। आटा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है 15 मिनट के रेस्ट के बाद। आटे को 2 हिस्से में कट करके थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे इस तरह से गूंद कर और रोल कर कर, और कट कर लेंगे हम, ताकि पूरी अभी हमारी सभी एक साइज की बनेंगी। छोटा सा पूरी का डो लेंगे और पूरी बना लेंगे। अगर आपकी पूरी भी मेरी तरह पूरी गोल नहीं बनती है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि एक्स्ट्रा आटा इसमें बचेगा ही। पूरी के बीच में रखेंगे कचौरी का बॉल्स और पूरी साइड की एज में हल्का हल्का पानी अप्लाई कर देंगे, ताकि पूरी की एज अच्छे से फिक्स हो जाए एक दूसरे के साथ, और इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे सभी एज को। इस तरह से नीचे से गोल शेप दे दीजिए और एक्स्ट्रा जो डो है उसको खींच के निकाल दीजिए, और अभी इसको गोल शेप दे दीजिए इस तरह से, एकदम इजी है दोस्तों। देखिए हमारा कचौरी बनकर रेडी है, अभी सिर्फ हमको इसको तलना है। चलिए और एक करते हैं। पूरी रेनी है उसमें लगाना है पानी, बीच में रखेंगे कचौरी का बॉल्स, इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे धीरे धीरे करके, राउंड शेप दे देंगे, और जो एक्सेस आटा है उसको निकाल देना है और दे देना है राउंड शेप। एकदम इजी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिए इस तरह से। इस तरह से हमने सारे कचौरी के बॉल्स बना लिए हैं। ज़्यादा मेहनत का काम हो गया ख़त्म, अभी सिर्फ तलना बाकी है। कढ़ाई में सफिशियंट तेल डालकर इसको
गरम करते हैं। मीडियम हॉट ऑयल में कचौरी को डालना है। दो या तीन बैच में फ्राई करिए, आपकी कढ़ाई जितनी बड़ी हो उस हिसाब से। तेल में डालने के बाद कचौरी को बिल्कुल भी हिलाइए मत, 2 मिनट तक उसको शेप लेने दीजिए। उसके बाद हल्का हल्का स्टर करिए ताकि सभी तरफ से अच्छे से फ्राई होने लगे। ये ड्राई कचौरी को तलने के लिए वक्त लगता है, कम से कम 7 से 8 मिनट लगेंगे एक बैच को फ्राई होने को, पूरा क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने के लिए। देखिए हमारी कचौरी फ्राई हो चुकी है, चलिए निकाल देते इसको बाहर। कचौरी को निकाल देंगे टिश्यू पेपर के ऊपर ताकि जो ज़्यादा तेल रहेगा वो सोख कर लेगा टिश्यू पेपर। इस तरह से दूसरी बाकी बैच भी हम फ्राई कर लेंगे धीरे धीरे कर कर। ये कचौरी एकदम ईजी है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो ये कचौरी बना के लेके जाइए, या फिर टी टाइम के लिए बेस्ट ये स्नैक्स है। और कोई रीज़न नहीं है तो मेरी तरह यूं ही बना लीजिए। अच्छी रेसिपी को खाने के लिए कोई रीज़न थोड़ी चाहिए होता है। हमारी कचौरियाँ बनकर रेडी है, देखिए ये आवाज़ सुनिए दोस्तों, हमारी कचौरी कितनी क्रिस्पी और करारी बनी हुई है। चलिए अभी मैं आपको कचौरी अंदर से दिखाता हूँ कि हमारी कचौरी अंदर से कैसी लगती है। देखिए क्या बढ़िया हमारा स्टफिंग जो मसाला बनाया हुआ है वो है। खा के देखिए ड्राई कचौरी, घर पर बनाइए ये ड्राई कचौरी और एंजॉय करिए अपने घरवालों के साथ। दोस्तों हमारी सूखी कचौरी बनकर रेडी है, एकदम ईजी है ना रेसिपी, आप लोग ज़रूर ट्राई करिए, एकदम बढ़िया बनती है, स्वादिष्ट बनती है। आप लोग को रेसिपी पसंद आई ज़रूर लाइक करिएगा ये रेसिपी को, और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और सब्सक्राइब करिएगा केकेस किचन को। आपका दोस्त कुछ नई नई स्वादिष्ट रेसिपी लेके आएगा केकेस किचन में। जुड़िए मेरे साथ केकेस किचन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।